और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, पानीपत में बदमाशों की दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां पर दो अलग अलग जगहों पर हैवानियत हुई है। तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया, पति और बच्चों के सामने ही दरिंदों ने हैवानियत की इस पूरी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। और दूसरी घटना में आपको बता दें कि मारपीट से महिला की मौत हो गई है। देखने वाले हैं पूरी ही पूरी इंसानियत को। दो अलग अलग जगहों पर महिलाओं के खिलाफ ये बड़ी घटनाएं पेश आई हैं, जहां एक घटना में तीन महिलाओं से गैंगरेप किया गया। और बेहद ही शर्म की बात और हैवानियत की बात यह है कि पति और बच्चों के सामने ही महिलाओं से दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप हुआ, और दूसरी घटना में महिला से मारपीट में महिला की मौत हो गई है। बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, पूरी तरह जरा सा भी खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का कार्रवाई का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों ही जघन्य वारदात सामने आई हैं पानीपत जिले से, जहां एक गांव में तीन महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने दो अलग अलग परिवारों को अपना निशाना बनाया और महिलाओं के पति और बच्चों के सामने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घिनौनी वारदात के बाद आरोपियों ने लूटपाट की, बदमाशों ने एक महिला से मारपीट भी की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इन दोनों वारदातों में दो अलग अलग केस दर्ज किए हैं और अब पुलिस बदमाशों का पता लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। पीड़ितों ने बताया है कि देर रात करीब 10 बजे चार युवक खेतों में उनके डेरे में घुस आए। आते ही उन्होंने उनके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर धमकी भी दी। इसके बाद आरोपियों ने उनके हाथ पैर बांधे और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने थोड़ी ही दूर पर दूसरी वारदात को अंजाम दिया। सर, क्या शिकायत दी गई? ये शिकायत जी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, सवेरे इन्फॉर्मेशन मिल के वहाँ डेरे पे पहुँचे थे उनके यहाँ। भाई इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारे डेरे पे चार आदमी रात को घुसे, हमारे साथ मारपीट की, फिर हमें बंधक बनाया, रस्सियों से बांध लिया, बांध के फिर हमारी जो लेडी थी उनके साथ गलत काम किया। यही शिकायत दी है इन्होंने। महिलाओं को क्या आरोप लगाया? तीन महिला के, ये रेखा, तीन महिलाएं हैं, रेखा, चंदा और सोनी। जी, तो कितनी देर तक रहे सर वो लोग इनके पास डेरे में? कब तक बंदी बना के रखा? करीब एक डेढ़ दो घंटा। तो फिर गांव वालों ने इनको खोल लिया, कभी शोर मचाया, जब जाके हमने बंद कर दिया। बदमाश कितने थे सर? चार। नकाब बांध रखा था क्या कुछ था सर? नहीं, लोग नकाब नहीं बांध रखे। पहचान हो गई है सर कुछ? पहचान अभी तक तफ्तीश जारी है जी। जब पहचान होगी तब प्रयास जारी है, सारी पुलिस लगी हुई है इस चीज पे, इन्वेस्टिगेशन पे। लूटपाट भी और हुई? हाँ जी, इनके 13,000 रुपए और सोने। और अनिल कुमार हमारे सहयोगी पानीपत से जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए। अनिल, बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला आया, जिसकी जितनी भर्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। बताया जा रहा है तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, एक महिला की मृत्यु हो गई है दूसरी घटना में मारपीट से। पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां पहुंची है, जिस तरह से बेहद ही जघन्य ये पूरी वारदात सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की यहां पर ये दरिंदगी हुई है, तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप, उसके बाद मारपीट व लूट की जो घटना थी, ये बहुत ही शर्मनाक घटना। इसके बाद से ही जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा जो टीमें बनाकर जो आरोपी हैं उनके पकड़ने के प्रयास कर दिए गए हैं, लेकिन अभी एक दिन पूरा बीत चुका है, रात की घटना थी, और उसके बाद भी जो आरोपी हैं उनका अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। हालांकि FSL की टीम और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी, CIA भी पहुंची थी, अन्य तरीके से मतलब 6-7 टीमें गठित इसमें कर दी गई हैं, और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और अभी तक जो पुलिस है उनके हाथ कोई भी सुराग इस तरह का नहीं लग पाया है। जी अनिल, लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक घटना है, कोई सामान्य मामला नहीं। तीन महिलाओं की इस तरह से हैवानियत, पति और बच्चों के सामने क्या गुजरी होगी उस पीड़ित परिवार पर, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। जरा सा भी डर दिखाई नहीं दे रहा बदमाशों में पुलिस प्रशासन का, कानूनी कार्रवाई का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से जो परिवार है वो इस हादसे के बाद पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि जो इंसान है वो अपने आप को सेफ अपने घर पर ही समझता है, और घर पर ही ऐसी वारदात हो जाए तो
कहां पर सेफ समझेगा। और रही बात पुलिस, पुलिस लगातार बात तो कर रही है गिरफ्तारी होने की, लेकिन इतनी जो बड़ी वारदात है वो बेहद ही शर्मसार करने वाली बात है। और फिलहाल पुलिस की ओर से अभी तक जो आला अधिकारी बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। जी बिल्कुल अनिल, और अब देखना यह है कि पुलिस आखिर किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ा सवाल, कब तक ये चारों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये पानीपत से घटना सामने आई है।